गाइस फाइनली DTU पहुंच गए हैं, भैया हैं हमारे साथ। भैया अभी हमको मिले, डिजाइन के हैं भैया, थर्ड ईयर। सो अभी हम दोनों जा रहे हैं कैंटीन, भैया को अपने ब्रांच भी जाना है, कॉलेज घूमना है, काफी टाइम के बाद आए हैं। तो मिलते हैं आगे तुम लोगों से। तो भाई देखो पीछे कैंटीन आ गई है, बट अभी मेरे को जाना पड़ेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्योंकि दोस्त लोग सारे उधर पहुंच चुके हैं कैंटीन से काफी टाइम पहले, वो कैंटीन में थे, और भैया को अपने डिपार्टमेंट के काम से जाना पड़ गया। तो हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाते हैं, वहां पे मिलता हूं तुम लोगों से, ठीक है? और अपने दोस्तों से भी तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराता हूं। बास्केटबॉल कोर्ट के सामने पहुंच गए हैं, ये अपने अनुराग भाई हैं, ठीक है? ये इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं फिलहाल, और ये भाई है अनमोल भाई, ये भी इनके साथ के हैं दोनों। तो अभी रवि वगैरह भी आ रहे हैं, उनसे भी मिलवाऊंगा तुम लोगों को। भाई का चेहरा देखो एकदम खुश हो रखा है। ये देखो ये आ गया रवि। और भाई नाम बता दो अपने अपने। संदीप है भाई, ये भाई चेहरा नहीं दिखाना चाहता। ये भाई अपने प्रथम भाई है, ये भी चेहरा नहीं दिखाएंगे, भाई को कोविड हो रखा है। इसको तो जानती होगे, बकरा दाढ़ी वाला आदमी। तो भाई अभी अपन लोग आए हैं कैंटीन, तुम देखो खुद कैंटीन का क्या हाल है यहाँ पे, भाई पूरी खचाखच भरी पड़ी है। तो देखो यार बैच के कुछ लोग और आ गए, नाम बता दो भाई। ईशान भाई है, ये अपने गिरधर भाई है, ये अपने, ये काफी ज्यादा बढ़िया आदमी है, इनको लेके हर रोज ग्रुप में मीम बनता है। ये अपने सुतेज भाई है, मोटू और पतलू की जोड़ी। ये इधर अपने कार्तिक भाई है, सारे के सारे मिल गए कैंटीन में। अभी दो चार जने और आ रहे हैं, तो अभी धमाल मस्ती होने वाली है। आज पूरा का पूरा बैच ही आ रहे हैं एक तरह से, इनसाइड दिल्ली वाले सारे बच्चे आ रहे हैं। भाई लोग मेरा तो यहाँ आना ही सफल हो गया, भैया साथ में बैठे, ये तो मेरी बड़ी बात है भाई। मतलब नहीं बंदे तो जानते हैं। नहीं भैया पहचान जाते हैं, बहुत बढ़िया काम कर दिया भाई तुमने। सही है भाई, DTU अच्छा कॉलेज है। तुम भी जो देख रहे वीडियो भाई, DTU आना, बायस डूम काफी ज्यादा DTU वाले वैसे। तो बाकी तुम्हारा कैसा रहा एक्सपीरियंस? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलो सही है भाई। उधर देखो, उधर रिफ्रेशमेंट की लाइन लग रही है, हम लोग भी रिफ्रेशमेंट ही लेने आए थे। मेन तो जीतना इतना था नहीं, बट फिर भी बता दे भाई कौन है, क्या नाम है। भाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई फाइनली जिस चीज के लिए आए थे, रिफ्रेशमेंट का डब्बा एकदम सामने, खोल के देखते क्या है। ये आए अपने बैच में सबसे पहले भाग के, 28 पता नहीं 29 रैंक पे थे ये हमारे बैच की स्टार्टिंग। और ये अपने मोहित भाई, और ये भाई है वॉशरूम का भाई। ये भाई आए हैं रेस में 6th, और ये भाई आए हैं रेस में पीछे से 6th। यार मैं और आगे आ जाता, पर हुआ गया ना, मेरे को मेरे जैसे तीन बंदे और मिल गए, तो एक ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, फिर मैंने उसके पे रख दिया, फिर हम तीनों पैदल चल के ही आ गए। मतलब 4 किलोमीटर में से 3.5 किलोमीटर तो हम लोग पैदल ही चल दिए, तो उस वजह से हुआ ये। देखो ये पूरा बैच है मेरा, ये हमारा CR भाई, CR इधर तो देख, ये हमारा CR है भाई कार्तिक भाई। ये लड़की सेकंड आई है, भाग भाग के सेकंड आई हूँ, बैच A7 रोल नंबर 2। फोन नंबर भी दे दो। 99 ये रितेश दवास है, ये है हमारा चिक मैग्नेट। चिक मैगनेट लेकिन ये देखते इनकी बात ना होती। हाँ मैं, ये हमारी मैगी है और ये पारी हो रही है। दिक्कत ये आई है, बात ऐसी है भैया, आज गाड़ी वाड़ी लेके आए थे मस्त चमकाने के लिए, बट एक भी लड़की से बात नहीं हो पाई है, कंडीशन थोड़ी ज्यादा सीरियस हो गई है, बट कोई नहीं हम संभाल लेंगे। आइडिया थेरेपी होगी भाई की। इसका आइडिया बता भाई, करण सिंह डॉट। बहुत प्यारा यार, लड़की को पता है यार।
नोटिफिकेशन और सब चीजें आपको इस चैनल पे पता चलेंगी, इसलिए सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस लाइक करें। और ये और ये वो लड़की है जो 220 किलो के लेग प्रेस में, लेग प्रेस पीआर इज 200 की। मैं हूँ, ये A7 है और ये हमारे गुड्डू भाई, गुड्डू भैया, गुड्डू बंदे। बिना रुके भाई बताना, भाई को पानी मार, बताना कैसे रेस करके आया तू। तू बोलना चाहोगे? तीन बंदे आ रहे थे चल के। Hey, y'all come look at this. ये बताओ अगले साल मैं सीआर बनूंगी, पहले कॉलेज खुल जाने दे। जो सीआर अगर तुम वोट दोगे सबकी एक एक सेटिंग करा, अभी प्रोजेक्ट पर ध्यान दे। मेरे लिए वोट करेगा उसकी एक सेटिंग पक्की, मगर इनकी खुद की नहीं हो रही। म्यूजिक इतनी तो लड़कियां नहीं है जितने की तो सेटिंग कराने की बात कर रही है। फाइनली घर पहुंच चुके हैं और मतलब इस समय बहुत ज्यादा थकावट हो रखी है, दोनों की दोनों टांगे दुख रही है। मेट्रो के अंदर सीट भी नहीं मिली, पूरे रास्ते खड़े आया हूं मैं। लेकिन यार मजा आज बहुत ज्यादा आया क्योंकि कॉलेज में सारा का सारा पूरा का पूरा बैच मिला, ऑलमोस्ट धमाल मस्ती करी है। व्लॉग के अंदर तुम लोगों ने देखा ही होगा, तो बस अभी इस व्लॉग को एडिट करना है। फिलहाल बहुत सारे असाइनमेंट पड़े हुए हैं, 3 असाइनमेंट पड़े हैं, 7 प्रोजेक्ट है और अभी टेस्ट वेस्ट भी है 3-4 दिन लगातार, सो पूरी बात लगी पड़ी है फिलहाल। तो अभी तुम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो के ऊपर यार बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस दिया है, 6K+ व्यूज उसके ऊपर आ रखे हैं और अभी देखते हैं पता नहीं 10K तक ले जाओ तुम लोग। उस वीडियो के कमेंट्स में सारे के सारे अभी पढ़ रहा हूँ और एक एक का रिप्लाई कर दूंगा सुबह तक। और बिल्कुल भी परेशान मत होना, 1-2 बजे तक सारा काम हो जाएगा ये वाला। और फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो के अंदर तुम लोगों से, और बस यूं ही मचाते रहो। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना या और कहीं पूछ लेना। सो कीप सपोर्टिंग, ऑल द बेस्ट, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।